चार्जिंग की गई थी। आज इंदौर जिले में 100% वैक्सीनेशन के लिए पूरे सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी हमने आग्रह किया था और समाज सेवियों से भी आग्रह किया था। 5% जो शेष बचा है ऐसा, जिसमें हमारी गर्भवती बहनें हैं और ऐसे कुछ युवा साथी हैं जिनका पहला डोज नहीं हो पाया था और दूसरा डोज भी जिनका बाकी था, उन सभी से लगातार 3 दिन से घरों पर जाकर उनसे आग्रह पूर्वक उनसे इस बात का कि वो टीकाकरण केंद्र पर आएँ और 100% टीकाकरण करवा के हमारे इंदौर जिले को मध्य प्रदेश में भी देश में पहला नंबर पे लाने का प्रयास सभी लोगों ने मिलकर किया है। निश्चित रूप से इस टीके के बाद सुरक्षा चक्र के घेरे में सब लोग आएंगे, जिसकी बहुत आवश्यकता भी है। मैं समझता हूँ कि इस महान कार्य के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वास्तव में जो ईश्वरीय कार्य किया है, क्योंकि एक दौर हमारी पुरानी जो पीढ़ी है, हमारे पूर्वजों की पीढ़ी है, उन्होंने एक दौर ये भी जिया था कि जब इस देश में खसरा जैसी बीमारी आई थी, पोलियो जैसी बीमारी आई थी, तो देश को लगभग 400 साल तक उसके वैक्सीन का इंतजार करना पड़ा था, कई त्रासदी को झेलना पड़ा था और 400 साल के इंतजार के बाद भी इस देश को उसकी दवा मिल पाई थी। लेकिन हम इस दौर में आज जिस देश में नरेंद्र मोदी जैसा रहता था हमको मिला है, मैं समझता हूँ कि बहुत प्रसन्नता का विषय है कि मात्र 10 माह में हमने COVID-19 जैसी महामारी की वैक्सीन को देश के हमारे सम्मानीय वैज्ञानिकों के द्वारा इसको तैयार किया है। तो निश्चित रूप से हम सबकी भी ये जवाबदारी बनती है कि हम सब भी उसमें सहभागी हों, लोगों को अपने घरों से लाकर इस वैक्सीन के सुरक्षा चक्र के घेरे में लेकर आएँ। तो इसलिए आज इंदौर जिले के समस्त वैक्सीन केंद्रों पर भारतीय जनता पार्टी का हमारा पूरा कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता लोगों को घरों से निकाल कर लाने का काम कर रहा है। इस समय हम हमारे राव विधानसभा के राव नगर में श्रमिक कॉलोनी के इस केंद्र पर खड़े हैं, जिसमें हमारे अनिल मंडले जी और हमारे हमचंद जी, घनश्याम अरोलिया जी, पूरी टीम यहाँ के लोगों को घरों से जाकर निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य है कि 100% वैक्सीन जो करने का, और इंदौर जिला 100% वैक्सीन जो है इसे 25 से 26 तारीख के महाअभियान में पूरा कर लेगा। किस तरह से इस बार ग्रामीण इंदौर पर बहुत फोकस है, आपको लगता है कि इस बार ग्रामीण क्षेत्र घूम रहे हैं कि केंद्र पर जा रहे हैं? ग्रामीण क्षेत्र में भी बहुत उत्साह है और हमेशा अगर कोई भी अच्छा काम हुआ है तो इंदौर ग्रामीण क्षेत्र का भी कोई व्यक्ति उसमें पीछे नहीं रहा। ODF की बात भी करें हम, तो लोगों ने जिस प्रकार से ODF भी पूरे देश में सबसे पहले इंदौर जिला हुआ था और वैक्सीनेशन को भी सब लोगों ने इसी चैलेंज के रूप में लिया है। जिस प्रकार से एक एक हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी लोगों के घरों तक गया, हमारे कार्यकर्ताओं ने पीले चावल लेके लोगों के घरों पर गए हैं, उनसे आग्रह किया है कि आप वैक्सीन केंद्र पर आकर वैक्सीन लगाएं। तो निश्चित रूप से इस चैलेंज को स्वीकार किया हमने कि 100% हमारा इंदौर जिला जो है वैक्सीनेशन करवाएगा। और मैं समझता हूँ कि आज भी जिस उत्साह के साथ लोग आ रहे हैं, आज और कल मिला के 100% हम इसको वैक्सीनेशन कर लेंगे। थैंक यू। आज के वैक्सीनेशन अभियान को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज और कल 2 दिन महाअभियान चल रहा है रहू में, 1500 के लगभग हो गए वैक्सीनेशन आज, और यहाँ तो सतत लगातार चल रहा है, पिछले मतलब कोविड काल से ही चल रहा है, लगातार चल रहा है डेली, कभी कोविशील्ड कभी कोवैक्सीन, दोनों जिस हिसाब से डोज आते हैं उस हिसाब से चल रहा है। बाकी 2 दिन महाअभियान है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।